विधानसभा की संजय कॉलोनी और बापूनगर में डी प्लान से बनने वाली करीब 51 लाख की लागत से बनने वाली दो मुख्य सड़कों का स्थानीय लोगों के हाथ नारियल तोड़वाकर कार्य का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रही। वहीं सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नेशनल हाईवे के नीचे से सीवर लाइन डाल दी गई, जो कि जल्द ही सीवर के गंदे पानी को इन कॉलोनियों से निकालने का काम करेगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि रेनी वेल की योजना के तहत मीठा पानी कॉलोनियों में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। साथ ही कहा कि आज बल्लभगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र ही नहीं बल्कि तमाम क्षेत्रों में विकास कराए गए हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ विधानसभा के लिए जमकर खजाने के मुंह खोले हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद जताया है। संजय कॉलोनी और बापूनगर के दो मेन रास्ते हैं और जो सारे रास्तों के जो मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग की जो हालत है वो खस्ता है। 51 लाख की लागत से दोनों सड़कों को बनाने का काम करेंगे। इसका टेंडर भी होगा, काम भी 10 दिन में लोगों को समाप्त होगा और 10 दिन में लोगों को इस सड़क रहेगी। लोग बार बार आवाज कोई काम है। यहाँ का मुख्य कारण एक ही है, पार्क की दिशा एक इनकी सीवर लाइन है। सीवर लाइन भी हमारी 4 दिन में चालू हो जाएगी। संजय सीवर की भी समस्या इनकी खत्म हो जाएगी। बाकी तो काम है ना, एक मीठे पानी है, मीठा पानी आ रहा है और पानी भी हम जो पानी की जो बढ़ोतरी यमुना की तरफ कर रहे हैं, 4 दिन में पानी की यहाँ बढ़त, पानी की और बढ़त हो जाएगी, पानी का ज्यादा लाभ।